टू इज इक्वल टू जीरो जो हमने डिफाइन किया, तो वो सिर्फ प्रूव करने के लिए था कि वो दोनों परपेंडिकुलर है। नहीं, प्रूव करना नहीं था, हमको दिया ही है विल बी ऑर्थोगोनल। ओके, मीन्स ए एंड बी की कौन सी वैल्यू के लिए ऑर्थोगोनल होगा, तो हमको पहले एज्यूम तो करना पड़ेगा ना कि वो दोनों ऑर्थोगोनल है, तब जाके ए बी मिलेगा ना। ओके, अगर वो ऑर्थोगोनल ही नहीं है तो ए बी मिलेगा ही नहीं, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, तो इसीलिए हमने वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो लिया। ओके, नाउ एनी डाउट? नो सर। ओके, सो वी गो फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये यस डन, वी डन इट। ओके, नाउ नेक्स्ट, हमने पहले क्या डिफाइन किया था ऑपरेटर से, डिफरेंशियल ऑपरेटर से ग्रेडियंट डिफाइन किया ना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अदर टू थिंग्स। देखो यहाँ पे आपने देखा था कि डेल के ऊपर से आपको तीन चीज मिलेगा। ओके, नंबर वन ग्रेडियंट, नंबर टू डाइवर्जेंस DIV एंड कर्ल। ओके, वो हमने वहाँ पे मेंशन किया था जब हमें ऑपरेटर स्टडी किया था वो। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की बात ये है कि जब भी ग्रेडियंट फाइंड करना है तो ग्रेडियंट किसके ऊपर होगा? GRAD, हाँ, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसके ऊपर ऑपरेट करेंगे हम? तो जो होगा वो स्केलर फंक्शन होगा। डन, ये तो आपको बताइए। यस सर। ओके, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वी बार मींस यहां पे किसके ऊपर ऑपरेट करेंगे हम? वेक्टर के ऊपर। ओके, तो उसका नोटेशन ऐसा भी है, डेल इनटू वी बार। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये दोनों का नोटेशन सेम ही है। ग्रेडियंट को भी हम क्या बोलते थे? डेल एफ ही बोलते थे ना, लेकिन जब यहाँ पे स्केलर है तो उसको ग्रेडियंट बोलेंगे, और जब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तब वो डाइवर्जेंस दिएगा, है ना? तो ये दोनों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना। कल तो सीधा ही है, कल के लिए तो डेल क्रॉस हम वी बार करेंगे। ओके, मीन्स वो वेक्टर के ही ऊपर ऑपरेट होंगे, तो ये अकेला स्केलर के ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो अब मैंने जब ये पढ़ाया था तब आपको बताया था कि वेन एवर यू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ एफ योर आंसर विल बी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, नो वेक्टर क्वांटिटी, है ना? यहाँ पर भी आप, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पे हमको वेक्टर मिला ना n2 बार और n1 बार, लुक एट हियर, क्लियर? ओके, तो वो हमको क्या देता था? वेक्टर क्वांटिटी देता था। अब जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर डेल ऑपरेट करेंगे, मींस डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे, तो वो आपको क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी देगा। क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस। ओके, तो यहाँ पे अगर कर्ल भी फाइंड करेंगे तो कर्ल भी आपको वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए दो है, एक ग्रेडियंट एंड कर्ल, एंड दिस गिव्स द स्केलर क्वांटिटी। ओके, हाउ वी कैन डिफाइन, लुक एट हियर, लेट वी बार v1i plus v2j plus v3k, this is the velocity vector, be a differentiable vector function, then the divergence of v bar is denoted by div of v bar or del into v bar dot product of these two quantity, and define as, अब वो कैसे define करता है? तो divergence of v bar equal to del into v bar, तो this is our operator, del by del xi plus del by del yj plus del by del zk. अब किसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं? वी बार के ऊपर। तो व्हाट इज अवर वी बार? v1i प्लस v2j प्लस v3k। इफ यू ओपन टू दिस ब्रैकेट्स यू गॉट डेल ऑफ v1 डिवाइड बाय डेल x इनटू i, i इनटू i विल बी 1, डेल v2 डिवाइड बाय डेल y, j इनटू j विल बी 1, एंड डेल बाय डेल z ऑफ k इनटू k इट विल बी 1। इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू means del by del x of v2 into j into i, so i into j क्या हो जाता है? 0, that's why बाकी के दोनों टर्म वहां पे नहीं दिखाई देंगे, understand? same way j into k भी 0 होता है। okay,
मीन्स अगर आप डिफरेंट क्वांटिटीज ले रहे हो तो वो आपको जीरो देगा, लेकिन अगर सेम क्वांटिटीज है, फॉर एग्जांपल आई इंटू आई, जे इंटू जे एंड के इंटू के, इट गिव्स वन. ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वी बार. एंड नोट हियर, द डाइवर्जेंस ऑफ वी बार और डेल इंटू वी बार इज अ स्केलर फंक्शन. यहाँ पे देखो, उसका जो आंसर है उसमें कहीं पर भी आपको आई जे के नहीं दिखाई दिया. अंडरस्टैंड? क्लियर? इट विल बी स्केलर क्वांटिटी. एनी डाउट इन डाइवर्जेंस? डियर स्टूडेंट? नो सर. ओके, नाउ वी डिफाइन द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड. ओके, तो लेट वी बार v1i plus v2j v3k be a differentiable vector function, means uska differentiation exist hona chahiye, then the curl of v bar is denoted by curl of v bar. This is the symbol for curl, or del cross v bar, and defined as curl of v bar is equal to del cross v bar. So here first I, j, k is fixed in first row. Okay, now this is the operator. So the x component of this operator is del by del x, y component of this operator is del by del y, and z component of this operator is del by del z. Similarly, the v bar means x component is v1, y component is v2, and z component is v3. So if you open this determinant, then we get I cap del v3 by del y. यहाँ पे देखो, cross करो. तो डेल वी थ्री बाई डेल वाई माइनस डेल वी टू बाई डेल जेड माइनस जे, इफ यू क्रॉस इट, डेल वी थ्री बाई डेल एक्स माइनस डेल वी वन बाई डेल जेड प्लस के कैप डेल वी टू बाई डेल एक्स माइनस डेल वी वन बाई डेल वाई. ओके, उसको ओपन ही किया है, नथिंग एल्स. और यहाँ पे देखो, उसका आंसर में आई जे के आ रहा है. इफ यू हैव आई जे के, देन इट विल बी वैक्टर फंक्शन. ओके, वैक्टर क्वान्टिटी. डन? Any doubt in curl? No sir. Okay. तो curl and divergence के अब example करेंगे हम. Okay. तो first example है, if v bar is equal to 3xz i plus 2xyj minus yz square k, then find divergence of v. तो simply replace v bar, जो हमको दिया है वही हम रिप्लेस करेंगे. सो वी बार इज इक्वल टू 3xzi प्लस 2xyj माइनस yz स्क्वायर k हियर. देन v1, व्हाट इज अवर v1? 3xz. v2 इज अवर 2xy एंड v3 इज अवर माइनस yz स्क्वायर. ओके, दिस इज योर v1, दिस इज योर v2 एंड दिस इज योर v3. ओके, डोंट राइट v1 v2 v3 विथ ijk. ओके, ijk के साथ आपको नहीं लेना है v1 v2 v3 के लिए. ओके, वो x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट. सो डाइवर्जेंस ऑफ v बार बाय डेफिनेशन डेल v1 बाय डेल x प्लस डेल v2 बाय डेल y डेल v3 बाय डेल z. नाउ सिंपली रिप्लेस v1 v2 v3 हियर, वी गेट डेल बाय डेल x ऑफ 3xz प्लस डेल बाय डेल y ऑफ 2xy प्लस डेल बाय डेल z ऑफ माइनस yz स्क्वायर. इफ यू डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x of 3xz, we get 3z. Del by del y of 2xy will be 2x. Del by del z of minus yz square gives minus 2yz. So this is your divergence of v bar. अब आपको कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है कि divergence of v bar at point 1, 0, minus 1. तो अब आपको क्या करना है? 1, 0, minus 1 means replace x is equal to 1, y is equal to 0 and z is equal to minus 1 in this answer. So you get minus 3 plus 2 and last to 0 ho jayega due to y. Okay, so yahan pe aapka answer aa jayega minus 1. Is tarike se bhi aapko pooch sakte hai. Understand? Any doubt in this example? No sir. This is simple. Okay. Next curl ka ek example dekh lete hain. If f bar x z cube I minus 2 x square y z j plus 2 y z raised to 4 k, then find curl of f bar at point 1 minus 1 1. Okay, so first
we define. Okay, here there is a printing mistake. Okay, this is not a V1, this is F1. Okay, this is F2 and this is F3. Okay, because here we define F bar. Okay, so this is F1, F2 and F3. Okay, now you can apply in curl of F bar, definition of curl of F bar. So this one is F1, F2 and F3. Okay. So I, J, K as it is, del by del x, del by del y, del by del z as it is. Now replace F1, F1 is x, z cube, F2 is minus 2x square y, z and F3 is 2y, z raised to 4. Okay. Now you open it. Okay. So I, del by del y of 2y, z raised to 4. Okay. First term minus del by del z of minus 2x square y, z. This is second term. J minus J del by del x of 2y z is to 4 minus del by del z of x z cube. For K, del by del z, sorry, del by del x of minus 2x square y z minus del by del y of x z cube. Okay, so this is the determinant. Okay, now if you find the differentiation of each term, then we get, for example, first step will be with respect to y, karna hai to 2z raised to 4 plus minus minus plus 2x square y into I plus yahan pe aap dekho, so with respect to x karenge to ye to 0 ho jayega, with respect to z yahan pe karenge to 3xz square j, yahan pe aap minus 2x square yz ka with respect to x find karenge to 2 into 2 4. Okay, so minus 4xyz और इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे वाई है ही नहीं इसलिए जीरो हो जाएगा. तो दिस इज द कर्ल एट एनी पॉइंट. ओके, नाउ वी कैन डिफाइन द कर्ल एट वन माइनस वन वन. सो इफ यू रिप्लेस एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू माइनस वन एंड जेड इज इक्वल टू वन इन अबव आंसर, सो वी गेट, यहाँ पे अगर आप रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, टू इंटू वन रेस टू फोर माइनस सॉरी प्लस प्लस 2x squares, that means 2 into 1 into minus 1. Okay, this is your I component, plus 3 into 1 into 1 ho jayega wo, into J component. Okay, plus sorry minus 4 into 1 minus 1 and 1 into K component. So what we get, 2 minus 2, ये तो cancel हो जाएगा ना. Okay, so this will be cancel out because this is positive 2, this is negative 2, so 2 minus 2 0, so I component is not there. 3 into J, that means 3 into J, and here minus minus plus 4 into 1 into 1 into 1, so 4 K. Okay, so your curl at 1 minus 1 is 3j plus 4k. Okay, any doubt up to here? No sir. Okay, no, so sir. This is simpler than divergence. Okay, so curl of F and this is the divergence of V bar. Ye aapko determinant pata hai, isliye thoda simple ho jayega. Okay, now try for first example. फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए सब लोग ट्राई करेंगे. आई गिव यू थ्री मिनट्स. ओके, डू फास्ट. फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ एफ बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड आई माइनस टू वाई क्यूब जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के, देन फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार एट पॉइंट वन माइनस वन वन. ओके, फाइंड करो चलो इसके लिए डाइवर्जेंस.
Sir, done. Done? Yes, sir. Okay. What is your answer? -3. -3. Okay. बाकी किसी को दूसरा आंसर मिल रहा है? Yes, sir. -3. Okay. So you can verify here. If you have no find, yes. This is your answer. Okay. -3 is correct answer. Okay. You can verify here quickly. Done? Yes. Okay, then try for second example. Find the divergence and curl of the vector v bar x square minus y square I plus 2xyj minus y square minus xyk. Here there is no given any point. Okay, to find general divergence. Okay, at any point. EC023. Are you doing it, Ravi? I am doing. Nikhil, 29. Yes, sir. 36. Harsh Pandya. Yes, sir. Are you doing it? Yes, sir. Okay, आपका वीडियो ऑन करो तो दिखाओ तो आप कर रहे हो कि नहीं. Where is your notebook? Harsh? Sir, done. Okay, good. Now you can off your camera. Harsh, thank you. डन. ओके, किसी ने बोला था डन. हाँ, क्या आंसर आया? 4x. ओके, कितने लोगों को मिला ये आंसर? एनी अदर आंसर? यस सर, मिल गया ना? यस ओके, 4x. गुड. यू कैन वेरीफाई हियर. कौन सा एग्जांपल था? डाइवर्जेंस था ना फाइंड करना? यस सर. यस सर. यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ है वो रहा कहाँ है? ऊपर गया कॉल है सारे. ये रहा. यस है ना. 4x ना. यस. सबको 4x मिल गया ना? Yes. Okay. Now homework में इसी का आप कॉल फाइंड कर देना. Okay. Second example के लिए आपको कॉल फाइंड करना है. कर पाएंगे ना? Same way you can also define the call for first example also. Call of FR, call of V. हाँ. Second वाले कॉल का आंसर आपको बता देता हूँ. आप वेरीफाई कर लेना. नोट डाउन इट. ठीक, इसको नोट डाउन कर लो. -2y plus xi minus yj plus 4yk. This is the answer. Okay? पूरा सॉल्व करके ही दे दिया. सर रिपीट कीजिए ना. सॉरी, कल का आंसर रिपीट कीजिए ना. ये रहा. इट इज ऑन योर डिस्प्ले. -2y plus xi minus yj plus 4yk. Done it? Okay. Now you try for these both example. We discuss in next class. Okay. But try karna. Kisi ko bhi puchunga main. Hai na? Okay. Kyunki simple.